हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अरोरा क्लासेस। यह है हमारी कॉस्ट टाइप वाले क्वेश्चन की सेकंड क्लास पार्ट टू। परसेंटेज वाले क्वेश्चन है सारे का सारे। पार्ट वन का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके देख लेना। तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो यहाँ पे, इस टाइप के क्वेश्चन जो है काफ़ी आसान होते हैं, तो इसे हम सॉल्व करने वाले हैं और हम हार्ड की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, आसान से शुरुआत करके हार्ड की तरफ बढ़ेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है आपको, क्या आप इसे खुद से बना सकते हो? अगर हाँ तो बनाइए, आइए सॉल्व करते हैं। कहा जा रहा है कि सेब के मूल्य में कमी के कारण एक व्यक्ति 1.25 में, यानी कि रुपए में, तीन सेब की जगह 1 रुपये में 3 सेब खरीद सकता है। तो सेब के मूल्यों में कितने प्रतिशत की कमी हुई है? अगर आपने पार्ट वन किया हुआ है तो फिर आपके लिए तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। कैसे टैकल करना इस तरह के क्वेश्चन को, उसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। कहा जा रहा है कि सेब का मूल्य अभी 1.2 से 1 रुपीज़ हो गया है। पहले इतना में 3 मिल जाता था एप्पल, अब इतने में ही 3 मिल जाता। तो आप देख सकते हो कि 25 पैसा इसका रेट क्या हो गया, कम गया है। तो पूछा क्या है कि कितने परसेंट की कमी आई है। तो देखिए, इसको तो सबसे पहले मैं सिंपल बना देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हो कि 0.25 की कमी आई है। कितने पे? तो 1.25 पे। तो ये कर लो, ये बहुत ही सिंपल सा एक हो गया आपका। ठीक है, बहुत से लोगों को नहीं समझ में आएगा अभी। तो देखो, 20% हमारा आंसर आ रहा है कि 20% की जो है यहाँ पे कमी देखने को मिल रही है। इसको थोड़ा सा बेसिक समझते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन वर्क कर रहा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे 125 है, यहाँ पे 1 रुपीज़ है। कुछ समय के लिए इसको आप 100 मान लीजिए, 100%। तो जब इसे 100 मानोगे तो ये तो 125% हो जाएगा, होगा कि नहीं? यानी कि सेव का मूल्य जो है ना, वो 125 से 100 की तरफ डिक्रीज़ हो रहा है। 25% की कमी इसमें आ रही है। तो 25% की कमी तो आ रही है, लेकिन कितने पे? तो 125 पे। तो ये जो 25% आप देख रहे हो ना, ये 125 का कितना परसेंट है, ये आपको पता करना है। ठीक है, या फिर ऐसे कर लो कि 25 यूनिट जो होता है वो 125 का कितना परसेंट होता है, आपको ये करना है। तो ऐसे ही पता करते हैं हम लोग। देखो, सेम चीज़ आ गया, यहाँ आ रहा नहीं, यहाँ 2.5 होना चाहिए, 5 बार में कट गया, 20% आंसर है। यानी कि सेव के रेट में जो है हमारे 20% की कमी देखने को मिल रही है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किए हैं पार्ट वन में, आप कर सकते हो क्लासेस को। ये सीपीओ का क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, लेकिन जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए तो बहुत ही आसान है, ये कुछ नहीं है। एक दर्जन जोड़ी जुराब, जुराब मतलब सॉक्स होता है, मोजा का अंकित मूल्य 180 रुपये है और उस पर 20% की छूट दी जाती है, तो 48 रुपये में कितने जुराबे खरीदी जा सकती हैं? देखिए, है ना, खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए, कागज़ पेन लेके बैठा करो आप। एक दर्जन जोड़ी मतलब हो गया 12 पेयर्स, पेयर मतलब जोड़ा होता है, का रेट कितना है? 180 रुपये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इन फ्यूचर इसमें 20% की क्या आती है? कमी आती है। तो 180 में से अगर 20% की कमी आएगी तो कितना आएगा? -20% कर दो, यानी कि 80% ही रह जाएगा इसका रेट। तो 180 का 80% निकाल दीजिए आप, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 80% को हम लोग 4/5 भी लिखते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में, × 4/5। देखा आपने, 36 बार में कट जाएगा ये, 36 × 72, 72 × 144 होता है। यानी कि अब जो है ना, 144 रुपये में 12 पेयर मोजे मिल रहे हैं। समझ पा रहे हो इस चीज़ को? क्योंकि 20% की कमी हो गई। तो क्वेश्चन बोल ये रहा है कि 48 रुपये में, है ना, कितने पेयर खरीदे जा सकते हैं। तो जब 144 में 12 खरीदा जा सकता है, ये तो बहुत ही बेसिक सा हो गया, 12 खरीदा जा सकता है, तो 48 में कितना खरीदेगा? 12/144×48, ठीक है, 12×12 44 होता है ना, 144। 4 जोड़ी जुराबे जो हैं खरीदी जा सकती हैं, ऑप्शन नंबर बी पे है। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन सीजल प्री का है, आप इसे खुद से बना के देखो तो आपसे बनता है क्या, और नीचे कमेंट कर देना। ठीक है, और अगर ना बने तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने तकरीबन 12-15 क्वेश्चन करवाए थे पार्ट वन में, वो देखो आप। ठीक है, अगर आप कर लो क्लास, फिर आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब चीज़ क्लियर हो जाएगा वहाँ पर। तो इसे आप खुद से करने का प्रयास करो। ठीक है, ये भी सीजल प्री 2018 का क्वेश्चन है, सिंपल सा है।
थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा क्योंकि बगल में भजन हो रहा है, तो उसे इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। एक संख्या को 10% कम कर दिया जाता है और परिणामी संख्या को फिर 20% कम कर दिया जाता है, तो अंत में मतलब कमी कितनी हुई वो ज्ञात करना। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको दिखे ना तो तुरंत ही इसका आंसर कैसे निकलेगा मैं बता देता हूँ। सबसे पहले बेसिक समझते हैं इसका। माना मैंने 100% संख्या थी शुरू में, अब 10% की कमी आ गई इसमें, यानी कि 90 हो गया होगा, नहीं हुआ होगा। फिर उसके बाद इसमें जो है 20% और कम कर दिया गया, तो 90 का 20% और कम कर दिया गया, यानी कि 90 का 80% रह गया होगा। 90 का 80% बटा 100 मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो 972% आप देख सकते हो कि आंसर मेरा आ रहा है ना। पर इसको फास्ट किस तरह से करेंगे, तो आप फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर तोड़ोगे तो आपका फास्ट हो जाएगा। देखो 100 था, कम 20% कम किया गया, तो अंत में यही है, अंत कम ही कर रहा है दोनों तरफ, तो 100 का ये कितना हो गया होगा 90%। 90% को हम लोग 9/10 लिखते हैं ना फ्रैक्शन में। फिर ये जो नंबर आया ना, आगे जाके इसमें 20% की कमी हो गई, यानी कि ये 80% हो गया, तो 80% को हम लोग 4/5 लिखते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में। ये आपको पता होगा, 10 × 5 = 50, दो बार में कट गया, 9 × 18, 18 × 4 = 72, देखो आंसर आ गया ना। सिंपल सक्सेसिव मेथड बोलते हैं इसको। रेट वाले क्वेश्चन में मैंने इसको इसलिए शामिल किया है ना, क्योंकि ये भी देख सकते हो, जैसे पूछा है कि किसी वस्तु में इतना परसेंट की कमी आई, फिर उसमें 20% की कमी आई, तो फाइनल प्राइस ज्ञात करें, इसलिए मैंने आपको जो है एक्सप्लेन कर दिया। समझ पाया क्या इसको? ये क्वेश्चन सीजीएल प्री 2018 का है और बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं ये सवाल। अब ये मैं आपको बता देता हूँ, बस एक इसी के बेसिस पे आगे आने वाले 4-5 सवाल आप खुद कर लोगे, बस इसको समझ जाना अच्छे से, ठीक है। और ऐसे अगर आप बुक प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करोगे ना, तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चन उसमें आएंगे, ऐसे तकरीबन 40-45 क्वेश्चन आते हैं, एक समझ लोगे काम हो जाएगा। देखिए कहा गया कि चावल की कीमत 60% बढ़ गई, चावल को पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत को कितना कम करना चाहिए, तो 100% था, 60% बढ़ा यानी कि 160 हो गया होगा, पुनः इसको इतना ही लाना है, तो इसमें कितने परसेंट की कमी करनी होगी, इसमें कितने की कमी करनी होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर 60 में यहाँ से माइनस कर दो, ठीक है, तो हमारा 100 आ जाएगा, तो क्या 60 मार के आ जाओगे? नहीं, 60 तो ऑप्शन में भी नहीं दिखेगा आपको। 60 जो है वो 160 का कितना परसेंट है ये पता करना है आपको, ठीक है। 60 जो है वो 160 का कितना परसेंट है ये आपको पता करना है। हम लोग बेसिकली परसेंटेज ऐसे ही पता करते हैं, ये गया 16 आया 4 बार में, 25 बार में, 2, 3, 25 × 3 = 75/2 आया क्या, 75/2 यानी कि 37.5, 37.5 हुआ ना, 72, हाँ 37.5 हो जाएगा, ठीक है। इतना परसेंट इसको कम करना होगा तब जाके जो है ना पुराने वैल्यू इतना आ पाएगा। अब इस तरह के क्वेश्चन जो है ना, देखो कितना सिंपल है ये, लेकिन सीजल में आया है। अब देखो आगे जो क्वेश्चन आएंगे 4-5 इसी बेस पे आप बना लोगे, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए एकदम सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। जब कोई तरल अपनी ठोस अवस्था में जम जाता है तो उसके आयतन में जो है 4% की वृद्धि हो जाती है। आपको शायद पता होना चाहिए कि जब एक बोतल में पानी रखा जाता है ना, उसको फ्रिज में डाला जाता है, तो बोतल का साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जब इसका साइज इंक्रीज होता है तो ये 4% तक इंक्रीज हो जाता है। कहा गया है कि ठोस के वापस तरल में पिघलने पर आयतन में कितने परसेंट की कमी होगी। देखो एकदम सेम क्वेश्चन है ना, पहले 100% था, 100 से 104 हो गया बढ़ के, तो अब कितने परसेंट की कमी करनी होगी, तो आप ऐसे करोगे 4 कम करना है 104 में से, तो 4 × 100/104 इसको सॉल्व कर लीजिए आप, आंसर आ जाएगा आपका, इजी है ना। ये भी सक्सेसिव मेथड वाला सवाल है, आप खुद से कर लोगे इसको। एक वस्तु की कीमत में लगातार 2 बार 10% की क्रमागत वृद्धि की गई है, पुनः वस्तु का आरंभिक कीमत प्राप्त करने के लिए बढ़े हुए में से कितना माइनस करना होगा, यही पूछा गया है। तो इसको तो आप पहले बेसिक समझ लो, 100% था शुरू में इसका रेट, एक बार बढ़ा तो 110 हुआ होगा क्या, कहा गया था क्रमागत 2 बार बढ़ा है तो फिर से बढ़ा होगा एक बार, तो 110 का 10% 11 होता है, तो इसमें 11 आप जोड़ोगे तो 121% आ जाएगा, यानी कि आप देख सकते हो क्या हुआ कि 21% की बढ़ोतरी हो गई है यहाँ पर, ठीक है। तो बोला गया है कितना कम किया जाए वापस, कि वापस मतलब जो पुराना रेट था ना वहाँ पे जाए, तो 21 × 100/121 इस तरह से, मतलब 21 121 का कितना परसेंट है ये निकालना है आपको,
तो ये तो आप करोगे नहीं एग्ज़ाम में, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इसको छोटे तरह से किस तरह से किया जाता है देखिए, 100% रेट था उसका, था पहले जो है 10% की वृद्धि हुई, तो 10% की वृद्धि को आप लोग 110 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, 110 बटा 100, या इसको 11 बटा 10 भी लिखा जाता है। ठीक है, सब चीज़ें करना सीख लीजिए, 11 बटा 10, और ऐसा दो बार हुआ है तो दो बार हम लगाएंगे ऐसे। देखो 100 से 100 कट गया, 121 आया ना। अब मुझे क्या है, पुनः उस मूल्य पे जाना है वापस, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 21 हटाना पड़ेगा 121 में से। तो 21 जो है 121 का कितना परसेंट होता है, इसको लिए आप ये सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। समझ पाए इसको? अभी जो मैंने आपको इससे पहले एक्सप्लेन किया था एक क्वेश्चन ना, उसी में देखिए उसी की तरह का एक क्वेश्चन है। एक वस्तु की कीमत में 3% की कमी की जा रही है, छूट दी जा रही है, पुराना मूल्य वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत की जो है वृद्धि करनी चाहिए। पहले 100 था, अब 97 हो गया, ठीक है, तो कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। तो आप यहाँ देख सकते हो कि 3 जब मैं बढ़ाऊंगा ना इसमें, तो ये 100 जितना हो जाएगा, लेकिन 3 जो है वो 97 का कितना परसेंट होता है, तो आप इसको देखो, 3 जो है वो 97 का कितना परसेंट होता है, तो हम ऐसे कर सकते हैं ना, इतना बटा इतना, तो 300/97 आ रहा है। ओके, अब मैं आपको बताऊं कि इसको आप डिवाइड ना किए बिना भी आंसर ला सकते हो, कैसे लाओगे। देखो, अगर मान लो यहाँ 97 ना हो के 100 होता, कुछ सेकंड के लिए मान लो यहाँ पे 100 होता, 3 बार में तो कट जाता, 3% आंसर आ जाता, लेकिन 97 है, 100 से थोड़ा ही कम है, तो आंसर जो आएगा ना वो 3 से थोड़ा ही ज़्यादा आएगा, तो 3 कुछ आएगा, हल्का सा ज़्यादा आएगा बस। तो ऑप्शन में हमारा दिख रहा है 3.09, 7% या 2.69% नहीं आ सकता, और 3% तो बिल्कुल नहीं आएगा, तो ऑप्शन के थ्रू हम इस पर जाएंगे। समझ गए इस चीज़ को? हाँ, अगर ऑप्शन में इस तरह से होता कि 3.12, 3.22 या 3.111 इस तरह से अगर रहता ना, तो हम पक्का इसको काट के चेक करते हैं। मैं खुद यहाँ पे आपको फिर डिवाइड करके दिखाता, लेकिन ऐसे ही काम हो गया हमारा। ये वाला काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यदि एक आयत की लंबाई 50% बढ़ाया जाता है तो उसकी चौड़ाई में कितना परसेंट कम किया जाना चाहिए जिससे उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, और एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो आप इसको खुद से बनाइए पहले एक बार, ठीक है, और थोड़ा सा पाउज करो वीडियो भी और बनाओ, बना लो, टाइम पास मत करो, ठीक है। देखिए कैसे होगा, आयत बोला गया है, तो आयत का स्ट्रक्चर जो बेसिकली ये होता है, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ये चीज़, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना इसमें। इसको भी आयत ही बोलते हैं, यह स्क्वायर आपको दिख रहा है ना, इसको भी आयत ही बोलते हैं, क्योंकि इसके भी आमने सामने की भुजा क्या है, वो बराबर ही है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि हर स्क्वायर एक आयत होता है, बिल्कुल कह सकता हूँ, ठीक है। कहा गया है कि लंबाई में 50% की वृद्धि की गई, मान लेता हूँ मैं कि लंबाई पहले 100 रही होगी, सब 100 रहा होगा मान लो, ठीक है, 50% की वृद्धि, मान लेता हूँ कि ये लेंथ है, तो ये 150 हो गया बढ़ने के बाद, तो इसमें कितने परसेंट की कमी करनी होगी। देखो एकदम सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो एल इंटू बी होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 100 × 100 पहले ये होगा, यानी कि 10,000, ठीक है। अब ये बढ़ा दिया गया है, 150 कर दिया गया है परसेंट, मैं कह सकता हूँ इसका तो मैं पता ही करना था, इसको एक्स मान लो थोड़ा सा 10,000, इसको इधर भेज दीजिए, ठीक है, इसको जो है इधर थ्रो कर दो, तो 150 नीचे में आएगा, यहाँ से ख़त्म, तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, ये ख़त्म हुआ, 1000/15 आ गया, 5 से कट जाएगा 3 बार में, 200 बार में, 200/3 आ रहा है। अब 200/3 जो आ रहा है ना, इसका वैल्यू होता है 66.666, ऐसे जाते जाता है, ठीक है, यानी कि मुझे ब्रेथ जो है अब 66.66 रखना पड़ेगा, ठीक है, जब ये 150 बना ना, इसको जो है 66.66 रखना पड़ेगा मुझे। तो क्वेश्चन ये पूछा था कि कितने परसेंट की कमी करनी होगी, तो 100 से 66 हो रहा है, तो 33.33 की कमी करनी होगी मुझे यहाँ पे, ठीक है। देखो ऑप्शन सी में दे रहा है 66.66, तो मारना नहीं है इसको, थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है ना, 33.33 आएगा। ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन उसी तरह से बनेंगे जैसा मैंने आपको भी बताया थोड़ी देर पहले, और ये वाला क्वेश्चन भी उसी तरह से ही बनेगा। तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ऐसे से पढ़िए, ठीक है, उनके नंबर्स देखिए और नीचे कमेंट में आंसर लिखिए आप। अभी के लिए बस इतना ही,
आशा करता हूँ कि मैंने जो आपको समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। शोरगुल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है जिससे वीडियो बनाने में भी दिक्कत हो रही है। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।